लैब को पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आज हम आपको बताने वाले हैं सॉफ्टवेयर की स्पेशलिटी क्या है। लैब प्रो एक एडवांस वर्जन का ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो कि डेस्कटॉप में वर्क करता है। हमारे पास लैब प्रो भी है और ये लैब प्रो प्लस 2.0 है जो कि अपडेटेड वर्जन है। इस पे हमने बहुत सारे नए फीचर ऐड किए हैं जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। अभी इस सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूस अपडेट होते रहते हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट्स है मैं आपको बताने वाला हूँ। आज इसमें लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं तो क्या लेटेस्ट फीचर्स हैं, क्या एक लेबोरेटरी सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या फीचर की रिक्वायरमेंट होती है अपने इस इंडस्ट्री में जब वो लेबोरेटरी का टेस्ट वगैरह करते हैं तो क्या फीचर उनको चाहिए, वो सारी के सारी फीचर्स हमने इस सॉफ्टवेयर में दिया है लैब प्रो प्लस 2.0। फ्रेंड, एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड के साथ साथ किसी भी लेबोरेटरी टेस्ट में आप रिपोर्ट बना पाओ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी टेस्ट अगर आप कर रहे हो तो वो टेस्ट आपके लिस्ट में अवेलेबल होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो आप उसको एडिट कर पाओ, उसको कस्टमाइज कर पाओ अपने अकॉर्डिंग, तभी आप वो सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली यूज कर सकते हो। हमने लैब प्रो प्लस 2.0 में वो सारे फीचर्स अपडेट करके दिए हैं जो किसी भी एक अच्छे लेबोरेटरी सॉफ्टवेयर में होते हैं और होने भी चाहिए। आप एक अफोर्डेबल प्राइस में भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने लेबोरेटरी से एक एक्यूरेट टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, वो भी कस्टमाइज फॉर्मेट में। इस सॉफ्टवेयर में हमने व्हाट्सएप के फीचर दिए हैं, इस सॉफ्टवेयर में हमने क्यूआर कोड का फीचर भी दिया हुआ है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कोई भी रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो लैब प्रो प्लस 2.0 में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो हमारे वीडियो को देखिए और इसमें समझिए कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमने पहले की काफ़ी वीडियोस में बताया है आपको कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे करेंगे, उसके बाद हमने कुछ अपडेट दिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपडेट के बारे में बताते हैं। आप मास्टर में जाते हैं और यहाँ पे टेस्ट मास्टर, जैसे ही टेस्ट मास्टर में जाते हैं तो हमने यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन दिया है टेस्ट बनाने का। तो आप टेस्ट मास्टर का जो विंडो डैशबोर्ड देखते हैं इसमें क्या लेटेस्ट हमने दिया है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम कोई नया टेस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे हमने जो नॉर्मल रेंज दी है, मेल फीमेल, मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड, ये सारी जो नॉर्मल रेंज दी है आपको हर बॉक्स में नहीं भरनी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली वन टाइम एडिट करने के बाद ही बाय डिफॉल्ट बन जाती हैं। उसके साथ साथ अगर आपको वहाँ पे एक्टिव, नॉन एक्टिव, नॉर्मल, एबनॉर्मल जो भी करना है उसके थ्रू आप एक शॉर्टकट बना के भी काम कर सकते हैं। तो अगर इसको समझना है तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से किसी भी एक टेस्ट को लेकर समझा देता हूँ, क्योंकि हमने इस सॉफ्टवेयर में हर तरह के टेस्ट दिए हैं। आप कोई भी टेस्ट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे, करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू करते हैं, एक टेस्ट हमने डाल देते हैं और टेस्ट डालने के बाद हम इसका आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आपको करके ही दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा टेस्ट है सीबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल्स है, इसका टेस्ट नेम न्यूट्रोफिल्स है और इसका ग्रुप हमने जो है सीबीसी के अंदर डाल दिया। सब ग्रुप क्या है, डीएलसी, यहाँ पे सीरियल नंबर 11 में है। इसका मेथड क्या है, आप कौन से मेथड से टेस्ट अप्लाई करते हो वो मेथड यहाँ पे लिख सकते हो। यूनिट है, डिफॉल्ट वैल्यू है, कॉस्ट है, अगर न्यूट्रोफिल की कोई आपकी इंडिविजुअली कॉस्ट है तो कॉस्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे देख पा रहे हैं मेल नॉर्मल रेंज 40-75 दे रखी है मिनिमम और मैक्सिमम, तो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें सब में अप्लाई करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सभी में आ जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे कोई नोट्स लिखना है वो नोट्स भी बना सकते हो, इसमें कोई शॉर्टकट बनानी है तो यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे कि नॉर्मल लिखना है तो वहाँ पे वन प्रेस कर दो यहाँ रिजल्ट में तो वो नॉर्मल का वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकते हो। आप किसी भी तरह की टेस्ट की सर्चिंग कर सकते हो। आप ओएलटी से रिलेटेड आप देख लो, यहाँ पे एलर्जीज की बात होती है, बायोप्सी की बात होती है, ओएलटी जो सभी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होता। हमने यहाँ पे वेजाइनल स्वैप्स निकालना है तो यूरिन सीएस निकालना है, टीटीजी है, टीएसएच है, टार्च की प्रोफाइल है, टीवीआईजीजी, टीवीआईजी, ये सारी प्रोटीन पैनल, सीरा, सब कुछ हमने दे रखा है। हेमाटोलॉजी प्रोफाइल, होल ब्लड की अगर करनी है, सीरम की करनी है, स्टूल एग्जामिनेशन करनी है, पस सेल कंट्रोल, तो आप आसानी से इसमें सब टेस्ट मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस सॉफ्टवेयर में एंट्री करके दिखाते हैं और इसकी
प्रोसेस कितनी फास्टर कर दी है, विदाउट माउस भी आप इसमें काम कर सकते हो। तो चलिए एंट्री करते हैं एक पेशेंट की। सिंपली हम अभी इसमें आपको माउस को छोड़कर हम सिर्फ कीबोर्ड से ही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे लैब पर ऑटोमेटिकली आएगा, यहाँ पे पेशेंट का नाम डाल देते हैं आप। पेशेंट का नाम डालने के बाद आप एंटर करते हैं, यहाँ पे आप उनकी एज डालते हैं, जेंडर चूज करते हैं और यहाँ पे डॉक्टर सूच करते हैं, रेफरेंस नंबर डालते हैं, इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से भी इंटर करते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमने सिर्फ कीबोर्ड का यूज किया है। जैसे हमें हेमाटोलॉजी या सीबीसी की रिपोर्ट यूज करनी है तो हमने क्या किया, सिंपली डबल स्पेस क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये टेस्ट में आपकी आ जाएंगे। हमने डबल स्पेस यहाँ पे कीबोर्ड को रख के डबल स्पेस किया तो टेस्ट आपका यहाँ पे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है वन शॉट में। अगर यहाँ पे कुछ पेमेंट का है, कितना बैलेंस है, वो सारी चीज़ें हैं, पेमेंट कैसे हो रहा है, कार्ड से हो रहा है, वैलिड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। इस तरह से पेशेंट की एंट्री भी सेव हो जाती है। अगर आपको प्रिंट करना है रिसिप्ट तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। इस तरह से आपने देखा कि आसानी से उसकी ओपीडी नंबर, डेट और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। इस तरह से आप इसका रिसिप्ट भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। और अगर आप डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट बन जाती है जो पेंडिंग होती है, आपको कहीं और नहीं जाना है। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है मेक। आप इस मेक पे अगर इसी टेस्ट में कुछ और ऐड करना है, सपोज आपने ये रिपोर्ट बना ली थी टेस्ट, यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे पेंसिल में क्लिक करोगे और इसमें नए टेस्ट भी ऐड कर सकते हो। जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है तो आप लीवर फंक्शन को भी ऐड कर सकते हो और इसको अपडेट कर दोगे, ये ऑटोमेटिकली उसमें और भी टेस्ट ऐड हो जाएंगे। हम रिसिप्ट प्रिंट नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे रिफ्रेश करके तो ये अपडेट हो गया है। और अब इसको मेक करना है तो अब इसको, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीबीसी, लीवर फंक्शन टेस्ट, सारी के सारी इन्फॉर्मेशन भरने के लिए यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे अब यहाँ पे आपको रेंज डालना, हमने बनाया था पहले सिक्योरिटी, यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉजिटिव वन न्यू, अगर आपको पॉजिटिव निगेटिव डालना है तो आप 1 2 डाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट फॉर हीमोग्लोबिन। तो हम यहाँ पे रेंज डालते हैं, वो हमने डेमो में समझाया था। अभी हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू इंटर करेंगे यहाँ पे। वैल्यू इंटर करने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू आने लगती है और यहाँ पे हम वैल्यू डाल रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको क्या करना होता है, इस डेटा को सेव करना होता है। आपको सेव करना है तो यहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे। इसको हम सेव करते हैं विदाउट कंप्लीटिंग इन्फॉर्मेशन और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसका रिपोर्ट देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने क्यूआर कोड भी आ चुका है और ये व्हाट्सएप टू पेशेंट, अगर पेशेंट को व्हाट्सएप करना है तो आप यहीं से पेशेंट को व्हाट्सएप कर सकते हो और यहीं से डॉक्टर को भी व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप से डेटा भेजना होगा। जैसे कि अगर आपको व्हाट्सएप टू पेशेंट, व्हाट्सएप टू डॉक्टर, जनरेट क्यूआर कोड, यहाँ से आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो। क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और आपके सर्वर पे स्टोर हो जाता है। अगर उसके बाद हम बात करें कि अगर इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप करना है किसी पेशेंट को, किसी डॉक्टर्स को, तो आप उसको अलग अलग यहाँ से भेज सकते हो, और प्रिंट करना है तो आप यहीं से भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। तो अगर हम व्हाट्सएप को करना है तो यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें डॉक्टर को नंबर भेजना है व्हाट्सएप टू डॉक्टर, तो उनका भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंट्री कोड भी लगाना होता है, कंट्री कोड भी लगा सकते हो यहाँ से। और इसको अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करना है, देखो प्रिंट 9 में जा रहा है आपका, इंटर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ गया है और ओके कर देंगे तो चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखिए ये व्हाट्सएप डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप डॉक्टर्स को निकल जाएगा। तो अभी हम अगर आपको प्रिंट करते हैं, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रिंट का ऑप्शन आएगा। दो ऑप्शन आते हैं, प्रिंट विथ लेटर हेड और प्रिंट टेस्ट रिपोर्ट। तो हम टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में हमने बना रखा है, इसको हम देखने के लिए हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू में, तो जैसे ही हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास रिपोर्ट का प्रीव्यू आ जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये प्रीव्यू आ चुका है जो हमने रिपोर्ट ला, आप देख पा रहे हैं कि इसमें सीबीसी की रिपोर्ट भी आई हुई है प्रॉपर और अलग रिपोर्ट भी है। इसको हम क्लोज करते हैं। जैसे आप आराम से रिपोर्ट निकाल सकते हो, यहाँ पे इंटर व्हाट्सएप नंबर डालोगे तो ये पार्टी का नंबर और उनके व्हाट्सएप भी चले जाते हैं। जिससे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप चला जाएगा, करेंगे तो ये रिपोर्ट जो पेंडिंग में थी अब ऑटोमेटिकली कंप्लीट में जा चुकी है। इस तरह से यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट आ चुकी है आपकी। अगर इसमें भी कुछ एडिट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ अगर रिपोर्ट में एरर हो गई है, कुछ रह गई है, हटाना बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आप इसको यहाँ से ही डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो और सिंपली यहीं से भी व्हाट्सएप भेज सकते हो। तो ये सारे, अगर व्हाट्सएप भेजना है विथ टेस्ट रिपोर्ट को तो व्हाट्सएप कर दीजिए यहाँ पे। और फ्रेंड, अगर इसकी रिपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हर तरह की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, आप इसको प्रिंट ले सकते हो। यहाँ पे रिपोर्ट्स में टेस्ट रिपोर्ट रजिस्टर, आपकी जो जो भी टेस्ट की रिपोर्ट है वो भी आ जाएंगी यहाँ पे। कंप्लीट देखेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा, इन सब का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप। और यहाँ पे हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखेंगे तो हॉस्पिटल की रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे, कौन सा टेस्ट हुआ है, क्या कॉस्ट आई है, कौन सी सिटी का है, कौन पेशेंट है, सारी चीज़ें निकल के आती है। इसको प्रिंट करेंगे तो आपको उसको प्रिंट की रिपोर्ट भी निकल के आ जाती है, ग्रुप रेफरेंस, पेशेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। सिमिलरली अगर आप रिपोर्ट्स में टेस्ट वाइज कंपैरिजन देखें तो आपको टेस्ट वाइज कंपैरिजन भी दिखेगा, कौन सी टेस्ट पास और फेल, ये सारी चीज़ें, अलग अलग टेस्ट की कंपैरिजन भी दिखेंगी, आप इनका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। सिमिलरली आपको डॉक्टर की शेयरिंग रिपोर्ट भी मिल जाएगी, कितना परसेंट उनका प्रॉफिट शेयर है, वो प्रॉफिट शेयर निकल आएगा कि वैल्यू उनकी कितनी प्रॉफिट शेयरेबल है, आप इसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं डॉक्टर की प्रॉफिट शेयरिंग का। सो ये है कंप्लीट सॉफ्टवेयर। और इसमें अगर आपको कोई सर्च करना है कि इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं, वो सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप कोई सर्च करो, सारे के सारे टेस्ट हमने दे रखे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड, कैसा लगा हमारा ये सॉफ्टवेयर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर कोई अपडेट की रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में भी बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।